शुक्रवार को महाराज निषाद राज महर्षि कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में निषाद जागृति सेवा समिति जगनपुरा बेला दयालबाग द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। यह शोभा यात्रा जीवाराम आश्रम मंदिर से मनोहरपुर एकलव्य वाटिका से होते हुए बलकेश्वर पर शोभा यात्रा का समापन हुआ। हमारी ये शोभा यात्रा है हर वर्ष की भांति पिछले साल 2023 से हम लोग निकाल रहे हैं और ये हमारा दूसरा साल है और हर बार हम चाहते हैं कि हमारी शोभा यात्रा एक अच्छा मैसेज जाए समाज में। और ये हमारे श्रृंगवेरपुर के महाराजा गौराज निषाद जी थे तो उनको याद करते हुए हम ये शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से भव्यपूर्ण निकालते रहेंगे। देखो हमारे यहाँ जो निषाद राज गौर निषाद राज की हर साल जयंती मनाई जाती है और इस बार भी हर बदली बाती मनाई जा रही है और हम ये किया था समाज को एकत्र करके और अच्छा समय से जाए और ये कि हम हर बार समाज के लिए ये समय करीब 6 झांकियाँ निकल रही हैं और आगे भी जगह जगह पर स्वागत समारोह रखा गया है समाज के लोगों ने और बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये अपनी यहाँ से जाकर जीवन ज्योति 100 फुटा होते हुए ये बलकेश्वर वाली उसमें रैली में जाके सम्मिलित हो जाएगी। हम यहाँ पे जगनपुर बेला गाँव है हमारा और यहाँ पे ज़्यादातर निषाद ही रहते हैं तो निषाद राज शोभा यात्रा हम यहाँ से निकालते हैं, जीवाराम मंदिर से शुरुआत करते हैं और एकलव्य वाटिका मनोहरपुर कमला नगर तक ले जाते हैं। ये हमारा कार्यक्रम है, आज हमारे महाराज जी का बर्थडे है और हम इसे धूमधाम से मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे आगे भी। आज हमारी 5 झांकियाँ हैं और पूरे हमारे समुदाय के सारे लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे और हमारी एक भव्य यात्रा निकलेगी यहाँ से लेके सौपटा होते हुए बलकेश्वर तक हमारा प्रोग्राम है जाने का।